सरकार साहब, पिक्चर का टाइम हो गया और तुम डांस कर रहे हो। पिक्चर? जी हाँ, डबल ब्लैक में खरीदी है टिकट मैंने। हाँ ठीक है, हम अभी बॉस से पूछ के आते हैं। ये राधा बेटी, ये क्या करते तुम? कुछ नहीं अप्पा, नवरंगी के साइकिल की चेन चढ़ा रही थी। ये चेन चढ़ाना तुम्हारा ड्यूटी नहीं होना रे। अप्पा मैं अपनी ड्यूटी नहीं, नवरंगी की ड्यूटी कर रही थी। ये क्या गड़बड़ बोलना तुम शेट्टी का बेटी हो के वेटर का ड्यूटी करना, ये खतरा बाहर ले रहे हैं। बस जरा चेन चढ़ा ले। अयो पर तू चेन बाहर क्यों नहीं चढ़ाना? बाहर सबके सामने चढ़ाएंगे तो आपकी ही इज्जत का कचरा होगा ना। शट अप, बहुत बोलता रहे तू, बहुत बोलता। शेट्टी का इज्जत, शेट्टी का ये होटल होना, ये राधा बेटी होना, ये तेरा खटर। सीना जी सरकार, ये दोनों खटर आउट करना रे। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, मेरे यार। राधा जी एक बात बोले। सौ कहो, हमने तुम्हें कब रोका है? डरते हैं कहीं आप गुस्सा ना हो जाएं। गुस्सा तो तब होगी जब तुम नहीं कहोगे। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या है? आपका बनाया खाकर सब खुश हो जाते हैं। हम भी, कल आपने जो सेब दिया था ना, हम पूरा खा गए। तो तुम हैं? कुछ नहीं समझते। मैं समझती ना सब कुछ। बधाई हो राधा भाई, तुम्हारा लगन पक्का हो गया ना। क्या बक रही है? खुद ने बोला, वो जो सेठ के दोस्त का बेटा आया है ना, उससे तुम्हारी शादी तुम्हारी फिक्स की है अप्पा ने। सच बोल रही है? देवा शपत। छी, वो उससे है। आप एकदम शादी मत कीजिए, वो तो बिल्कुल सड़क छाप है। काय को मत करो, फिर से ऐसा लड़का नहीं मिला तो। तेरे को पसंद है वो? बहुत। तो ठीक है, मैं अपनी कैंसिल करके तेरी फिक्स करती हूँ। जी जी, हम बोले आप रामलीला का एक पोज दीजिए। राम जी कहाँ है? तो क्या हुआ, बगैर राम जी के एक प्रसंग हो सकता है? कौन सा? जब राम जी हिरण के पीछे भागे जा रहे थे, तब सीता मैया और लक्ष्मण जी वाला प्रसंग। अमिताभ रेखा वाला? लक्ष्मण रेखा वाला। पर लक्ष्मण के जाने के बाद तो रावण आता, रावण कहाँ है हमारे पास? हम करेंगे ना रावण का भूमिका, हम गांव बहुत खेले हैं, हमारे पास तो मुकुट भी है, हम दिखाएं आपको? दिखाओ। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में कौन दूजा है, अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। भाई, तू नाटक में काम करता था? तेरा कसम सचमुच। कुछ भी की दरबी नहीं बोलने का, सब कुछ बेच देंगे, हम तो फुटपाथ पर आ जाएंगे। इस होटल को बिकने से बचा लो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। नहीं राधा नहीं, पर तुम्हारे नाजुक हाथ पाँव छूने के लिए नहीं, नारंगी के गले में बरमाला डालने के लिए है। तुम चिंता मत करो राधा, सरकार एक मक्खी देखकर पागल हो गया है और होटल का बेचना चाहता है। मैं खुद बिक जाऊंगा मगर ये होटल नहीं बिकने दूंगा। अरे होटल नहीं, मारे सारे प्यार को ताजमहल है। मैं आ रहा हूँ सरकार, मैं आ रहा हूँ। होटल खरीदेंगे हमारे मालिक होटल। नवरंगी, मैंने अप्पा को मना लिया है। तो क्या होटल बेचना कैंसल? कैंसल, दोबारा सोच लो शेट्टी। क्या कमार बोल दिया ना, कैंसल मतलब कैंसल। लोखंड वाला बोला था ना शेट्टी, वापस आएगा 7 साल का ताला। मक्खी होटल में, मक्खी 10 साल का ताला। ठहरिए मालिक, मैं आपकी लाइफ से मक्खी दूर किए देता हूँ।